उत्तराखंड में इस वक्त जगह जगह भारी बारिश और भूस्खलन हो रहा है। इस बीच भूकंप ने भी पहाड़ के लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। आज सुबह सुबह केदार घाटी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 6 बजे के करीब केदार घाटी में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकले। बीती रात से ही केदार घाटी में लगातार बरसात हो रही है और इस बीच भूकंप के झटकों से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 से 5 मापी गई है। आपको बता दें कि भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड के कई जिले संवेदनशील जोन में आते हैं। भूगर्भीय वैज्ञानिक भी कई बार उत्तराखंड को लेकर चेतावनी दे चुके हैं कि उत्तराखंड में कभी भी 8 रिक्टर स्केल तक का भूकंप आ सकता है। ऐसे में उत्तराखंड के लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ताज़ा आए भूकंप के झटकों के मुताबिक कुल 5 जिलों में इसका असर देखा गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.9 मापी गई। इस भूकंप का असर कई जिलों में हुआ। रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। उधर समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.6 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र जोशीमठ से 31 किलोमीटर रहा। सुबह सुबह आए भूकंप की वजह से लोग दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों का कहना है कि सुबह आँख खुलते ही झटके महसूस हुए। झटके काफी तेज थे। भूकंप की खबर मिलते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि कुछ ही देर में सब सामान्य हो गया था। भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड बेहद ही संवेदनशील राज्य है। कई बार इस राज्य को लेकर वैज्ञानिक चिंता जाहिर कर चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तराखंड में धरती के नीचे स्थित टेक्टोनिक प्लेट्स में लगातार हलचल हो रही है और यह हलचल कभी भी बड़े भूकंप का कारण बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।